इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा लीड ऐड कैसे बनाना है फेसबुक ऐड के ऊपर। देखो, लीड ऐड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपने ऑलरेडी सीखे होंगे या फिर कहीं से देखे होंगे यूट्यूब वीडियोस में कि भाई इस तरीके से लीड सेट्स बनाओ, इस तरीके से लीड सेट्स बनाओ। लेकिन मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस तरीके से आप लोग अपने लीड्स के कॉस्ट को 50% से कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। शॉर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा। आप लोग उस शॉर्ट को जरूर देख लेना ताकि आपके थोड़े मोटे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि आप लोग अपने लीड कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें मैं करके दिखाने वाला हूँ, एक्चुअल में ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को एक्चुअल में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग उसको इग्नोर करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, आप लोग भी लीड ऐड चलाना सीख जाओ, तो उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिगनर्स के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। देखो, स्क्रीन पे आने के बाद मैंने दो चीज़ें ओपन करी हैं। लीड ऐड चलाते वक्त, कभी भी फेसबुक ऐड चलाते वक्त आपको फेसबुक ऐड लाइब्रेरी की हेल्प जरूर लेनी है। अगर आप लोग एज अ बिगनर हो या फिर अगर आप लोग एडवांस लेवल पे भी हो, फिर भी आप लोग को फेसबुक ऐड लाइब्रेरी इसलिए यूज़ करने के लिए मैं बोलता हूँ ताकि आप लोग को ऐसा एक्सपीरियंस हो कि बहुत सारे ऐड जो चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में वो किस तरीके से चल रहे हैं और किस टाइप के चल रहे हैं। इससे आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके के ऐड आपको चलाने चाहिए, आपके कंप्यूटर किस तरीके के ऐड चला रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग एक अच्छे ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि लीड एड्स मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लीड्स मैंने सर्च करी है और यहाँ पे काफ़ी सारे एड्स चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सारे ऐड बनाने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये लीड्स एड्स का कॉस्ट कम कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो बोनस टिप्स है, लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। मैं आता हूँ फेसबुक ऐड अपने ऐड मैनेजर अकाउंट पे। आप लोग भी अपना ऐड मैनेजर अकाउंट ओपन कर लेना। देखो, अगर आप लोग के पास फेसबुक ऐड मैनेजर का अकाउंट नहीं है तो भाई आज ही बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, प्रैक्टिकल करोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आप लोग सीखोगे। किसी की दिखी हुई यूट्यूब वीडियो, किसी का बताया हुआ टिप, वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई वो आपके तभी तक काम आएगा जब आप लोगों का वहाँ पे आप लोगों को आता हो, ऑलरेडी आप लोगों को लीड ऐड चलाने आता हो, तब वो आपके काम आएगा। लेकिन अगर आपको लीड ऐड चलाने नहीं आता है, अगर आप लोगों को फेसबुक ऐड चलाने नहीं आता है, तो कितनी भी वीडियोस देख लो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपके सामने, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। यहाँ पे जैसे मैं लीड्स पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म, मैसेज एंड इंस्टाग्राम, कन्वर्जन कॉल्स। देखो, आप लोग को फॉर्म कहाँ पे लीड चाहिए, आप लोग को इंस्टेंट फॉर्म पे चाहिए या फिर वेबसाइट पे चाहिए, लैंडिंग पेज पे चाहिए, कहाँ चाहिए। देखो, मैंने अपने ऑलरेडी उस शॉर्ट में बताया था कि आप लोग अपने लीड कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, वो मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ। तो लीड पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिकमेंड सेटिंग पे नहीं, हम लोग मैनुअल लीड्स कैंपेन पे जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे सामने भाई हमारा पहला पेज ओपन हो चुका है। बस थ्री स्टेप में आप लोग फेसबुक ऐड कैंपेन बना सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐड तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐड पे अच्छा खासा सेल्स ले आना, लीड ले आना, ऑर्गेनिक लीड ले आना, मतलब एक ओरिजिनल लीड लेके आना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो लोग फंस जाते हैं, बाद में वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐड तो हमने बना लिया बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि रिजल्ट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐड तो हर कोई बना लेता है। तो यहाँ पे लीड कैंपेन है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम नहीं चेंज करूँगा, बस मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। आप लोग देख लेना, उसके बाद आपको थोड़ा समझ आ जाए तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा कैंपेन सेट कर सकते हो। बजट के बारे में बात करूँगा, एक्चुअल में अगर आप लोग बिगनर हो तो क्या बजट के साथ आपको चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। बस यहीं पे सारा गेम है आप लोगों का, यही लास्ट पेज होता है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से कर लिया, तो आप लोगों का लीड ऐड चाहे कोई भी ऐड हो वो बहुत मस्त चलने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझना है। यहाँ पे मैं इस ऐड सेट नेम को नहीं चेंज करने वाला। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन आ गया है कि भाई आपको कन्वर्जन कहाँ चाहिए, वेबसाइट एंड कॉल, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स ऐप। अब देखो, अगर आप लोग वेबसाइट पे लीड लोगे, वेबसाइट एंड कॉल्स पे लोगे, इंस्टेंट फॉर्म पे लोगे, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप लोग वेबसाइट पे लीड ले रहे हो, आई मीन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे अगर आप लोग लीड लोगे तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन कॉस्ट
आता है। आई मीन किसी किसी केस में तो 100 रुपीज़ तक का भी कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी के लिए आप लोग लीड लेना चाहते हो, आई मीन रियल स्टेट के लिए लेना चाहते हो, तो उसमें आपको कन्वर्जन रेट हाई मिलता है। तो इसलिए आपको जो भी कन्वर्जन रेट मिल रहा है वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका कौन से मतलब किस कैटेगरी में आप लोग काम कर रहे हो, आई मीन रियल स्टेट का है, किस चीज़ का है, जो भी चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर कन्वर्जन रेट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन है, जैसे कि वेबसाइट कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म, लीड्स हो गया, ऐप हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पिक करा है क्योंकि भाई मुझे इंस्टाग्राम बेस्ट लगता है। इंस्टाग्राम के अलावा मैं प्रेफर करता हूँ आप लोग को कि आप लोग एज अ व्हाट्सअप को भी यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर करते हो, सॉरी यहाँ पे मैसेंजर करते हो तो मैसेंजर भी आपको मिल जाता है देखने को। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग व्हाट्सएप को सिलेक्ट करते हो तो वेबसाइट व्हाट्सएप ज़्यादा बेस्ट होता है, या फिर कह लो इंस्टाग्राम का डीएम ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप लोग कोई कोर्स सेल कर रहे हो, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, तो आप लोग देखो डायरेक्ट अगर किसी को समझ नहीं है कि आपका कोर्स किस काम आता है तो डायरेक्ट आपके कोर्स कोई भी वेबसाइट पे जाके खरीदेगा नहीं। अगर वो बंदा फर्स्ट टाइम बिगनर है तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए अगर वो आपको व्हाट्सएप पे डीएम करता है या फिर आपकी कॉल बुकिंग करता है या फिर कह लो कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है तो आप लोग उसको अच्छे से समझा सकते हो कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट किस लिए है और किस आपके क्या काम कर सकता है, आपकी क्या हेल्प कर सकता है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो बाय करेगा, नहीं तो भाई आपकी वेबसाइट पर भी जाके वो बाय नहीं करेगा। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर भी जा रहा है, अगर आप लोग वेबसाइट पर भी लीड ले रहे हो, लैंडिंग पेज पर भी लीड ले रहे हो, तभी वो बाय नहीं करेगा अगर उसको अच्छा नहीं लगा, उसको समझ नहीं आया तो। इसलिए आप लोग मैसेंजर पर करोगे, इंस्टाग्राम पर करोगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपका कॉस्ट 50% से कम हो जाता है। अगर आप लोग वेबसाइट पर लीड लोगे, लैंडिंग पेज पर लोगे, इंस्टेंट फॉर्म पर लोगे, कॉल्स पर लोगे, आपका लीड बहुत ज़्यादा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग व्हाट्सअप या फिर मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम के डीएम में लीड लोगे, भाई आपका कॉस्ट 50% से गिर जाएगा। आप लोग आपको अगर ऐसा लग नहीं रहा है तो आप लोग एक बार करके देख लेना, क्योंकि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे समझ कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल करोगे आपका 100% ऐसे ही प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में हर चीज़ का सोल्यूशन छुपा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल किया करो, तभी आप लोग सीखोगे। यहाँ पे बजट की बात आती है तो 800 रुपीज़ नहीं रखना है, आपको 200 रुपीज़ रखना है। देखो लीड एड में क्या होता है कि आपको बजट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, तभी आपको लीड मिलेगी। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरे को 6000 से लेकर 18000 तक की रीच आएगी, जिसमें 6 से लेकर 16 लीड्स मेरे को मिलने के चांसेस हैं 200 रुपये के बजट में। अब यहाँ पे क्या करना है, लोकेशन हमारी डिफॉल्ट इंडिया सेट रहेगी। अब यहाँ पे आपको सारा गेम करना है, मिनिमम एज है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि जो भी एज ग्रुप है, जितने भी एज ग्रुप के लिए आपको लीड चाहिए, आई मीन 18 से लेकर मुझे 30 तक चाहिए, तो मैं 30 सिलेक्ट करूँगा। जेंडर किसको, मेल फीमेल, तो मैं भाई मैन को टारगेट करूँगा। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे जाओगे, डेमोग्राफिक में कि आपको किस तरीके के लोग चाहिए, आई मीन स्टॉक ट्रेडिंग या फिर कह लो डे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का कोई भी कोर्स बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ट्रेडिंग की सर्विस बेच रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग एज आ कोई भी स्टूडेंट को टीचिंग की सर्विस दे रहे हो, चाहे वो कुछ कोई भी फील्ड में हो सकती है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हो। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया, इसको अच्छे से समझ गए, तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है फेसबुक ऐड में, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो आप लोग खुद कर लोगे सब कुछ, भाई उतना ज़्यादा टफ नहीं है मेरे को लगता है, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, बट जब मैं प्रैक्टिकल करता रहा तो स्टार्टिंग में तो आपको रिजल्ट एक दो कैंपेन में नहीं मिलेंगे, आपके एक दो कैंपेन भी फेल हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है कि आपका एक दो कैंपेन फेल हो गया या फिर आपका पैसा खराब हो गया, वेस्ट हो गया, आपको एक दो कैंपेन में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है, उसके बाद ये थर्ड नंबर का जो पेज है, यहाँ पे दवाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे जो भी है आपको लीड्स लेनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोई भी आपको सीधा क्लिक करेगा लर्न मोर पे, तो डायरेक्ट वो आपको व्हाट्सअप पे डीएम करे, इंस्टाग्राम पे डीएम करेगा। उसके बाद डीएम करने के बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो बस इतना सा पेज है और इसमें ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो कि भाई लीड ऐड चलाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ कि भाई जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कितना भी आसान चीज़ क्यों ना हो, आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग ऐसा कोई कैंपेन बना रहे हो जो आपको मतलब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे को यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे,
तो वैसा पॉसिबल नहीं है। बाकी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाते हैं कि आपके कंप्यूटर क्या ऐड चला रहे हैं और किस कैटेगरी में ऐड चला रहे हैं और कौन सा उन्होंने लोकेशन टारगेट करा है, डिटेल ऑडियंस क्या टारगेट करी है, ओवरऑल उनके ऐड का स्ट्रेटजी क्या है। अब यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे ऐप मतलब ओपन करे हैं। एक ए टू डिजिटल है, ये बंदा व्हाट्सअप पे लीड ले रहा है, उसके बाद कुछ वेबसाइट्स पे लीड्स ली जा रही है, उसके बाद आप लोग नीचे जाओगे तो ये भी व्हाट्सअप पे लीड ले रहे हैं और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये भी व्हाट्सअप पे लीड ले रहे हैं, ये भी व्हाट्सअप पे लीड ले रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे लीड ले रहे हैं। तो आप लोग देखोगे तो 100 में से 90 एड्स ऐसे हैं, 80-90 ऐसे ऐड्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे लीड्स ले रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डीएम, मैसेंजर, इन जगह पे लीड्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लीड्स का कॉस्ट बहुत कम हो जाता है अगर आप लोग कोई भी ऐड कैंपेन चला रहे हो। अगर आपका ऐड कैंपेन चल रहा है, आप लोगों का बजट बहुत कम है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से टारगेटिंग करनी चाहिए, इस तरीके से आप लोग को रिसर्च करनी चाहिए, इस तरीके से आपको लीड ऐड बनाना चाहिए सोशल मीडिया का यूज़ करके, ताकि आपका लीड कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाए। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं ओवरऑल, अगर आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हो। देखो प्रैक्टिकल करोगे तभी सीखोगे। फिर भी अगर इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं कवर करा है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ को नहीं यहाँ पे क्लियर करा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। या फिर आप लोग की कोई भी क्वेरी है, मैं कोई भी मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा सुधारने की, उसको ना करने की। तो इसलिए यार आप लोग मेरी मिस्टेक्स को बताया करो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, इसलिए ज़रूर बताया करो। साथ ही में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट चल रहा है मन में, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर कह लो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप लोग समझ गए होगे कि लीड्स एड्स कैसे बनानी है, जिससे आपका बहुत कम बजट हो जाए। इससे आपका ओवरऑल आपके बजट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पूरे फेसबुक ऐड फेसबुक लीड एड्स पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के लीड एड चलाना कि आपको कहां पे लीड्स लेनी है, उसके बाद आप लोग मुझे जरूर कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।